द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है बच्चों? अगर समझो दो फंक्शंस है और दोनों का प्रोडक्ट है, समझो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन कैसे निकालना है? तो यहां पर देखिए, सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये दोनों का जो इंटीग्रेशन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन आएगा। इसी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मींस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, उसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम फर्स्ट फंक्शन किसको और सेकंड फंक्शन किसको बोलना है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। आइलेट, आइलेट के अनुसार हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। आइलेट में जो फंक्शन फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन हो जाएगा बच्चों, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ध्यान में रखना है। तो जब हम ये एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चों तो आपको फिर से समझ में आएगा। चलिए लेट अस टेक एग्जाम्पल्स बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां लेंगे हम लोग r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन थ्री एक्स dx। अब इसमें हमको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है? देखिए आइलेट, यहां पर दो फंक्शन, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले अल्जेब्र ए आता है और बाद में टी आता है, इसलिए अल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड आएगा। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी डीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन सभी का इंटीग्रेशन लेना है। सो एक्स इंटू, देखिए बच्चों साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थ्री एक्स, और ये जो कंपोजिट फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन है बच्चों, और इसका आएगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री इंटू डी एक्स आएगा। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों माइनस एक्स बाई थ्री कॉस थ्री एक्स, ये मैंने माइनस पहले लिखा है, माइनस ये देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये वन बाई थ्री, कॉस थ्री का इंटीग्रेशन है बच्चों साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री आएगा प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन नाइन साइन थ्री एक्स प्लस इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों यहां पर अगेन आइलेट लेते हैं, तो यहां पे एक्सपोनियल फंक्शन लास्ट में आएगा सेकंड फंक्शन, और ये आएगा फर्स्ट फंक्शन बच्चों। चलिए आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स।
तो x स्क्वायर इनटू e रेस टू x माइनस ये आएगा बच्चों 2x आएगा 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों e रेस टू x dx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e रेस टू x माइनस 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e रेस टू x dx देखिए बच्चों यहां पर x स्क्वायर इनटू e रेस टू x माइनस 2 अगेन यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ेगा इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज e रेस टू सो x स्क्वायर into e raise to x minus 2 into x into e raise to x इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों e raise to x x square into e raise to x minus 2x e raise to x minus 2 e raise to x plus c इसमें e raise to x common निकालें so e raise to x is common x square minus 2x minus 2 प्लस सी सो दिस विल बी आवर आंसर चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई इज इक्वल टू एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स आई लेट अगेन यहां पे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बच्चों और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन सॉरी देखिए बच्चों यहां पे लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन क्यों क्योंकि ये पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है ओके सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ डी एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ए डी एक्स आएगा सो लॉग log of 2x into x का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x square upon 2 आएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों 1 upon 2x सॉरी डेरिवेटिव 1 upon 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 into 1 upon x आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x is सॉरी ये गलत कर रहा हूं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा बच्चों dx तो ये x स्क्वायर भी x इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहां एक x है यहां x रहेगा ये 2 विल गेट विद दिस 2 तो व्हाट विल बी दिस x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू log ऑफ 2x माइनस 1 बाय 2 निकलेगा इधर ये 1 बाय 2 तो ये x dx आएगा तो x square upon 2 into log of 2x minus 1 by 2 into x square upon 2 plus c आएगा तो x square upon 2 log of 2x minus 1 by 4 x square plus c चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन अगेन यहां पे देख लीजिए बच्चों आई लेट लगा दीजिए तो इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट रहेगा ये इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट फंक्शन इन फर्स्ट फंक्शन सॉरी साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन बच्चों व्हाट इज दिस साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स डी एक्स तो एक्स का इंटीग्रेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन टू इनटू साइन इनवर्स एक्स माइनस डेरिवेटिव का बच्चों देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा
वन अपॉन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, राइट। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, अभी हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां प्लस आएगा, बराबर। तो यहां पर क्या करेंगे, ये वन यहां रखेंगे, वन एडिंग वन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन बाय टू इधर ले लेता हूं, ठीक है। माइनस वन अपॉन, देखिए वन अपॉन ए दिस इज ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको ये माइनस वन अपॉन इसके डिनोमिनेटर पे आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, राइट। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू इंटू, देखिए इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं इसके साथ, इट विल बी अंडर स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डीएक्स बोल दीजिए, माइनस वन अपॉन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू। देखिए बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए इसका वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू वन बाय टू है, वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन, इसके डेरिवेटिव से हमको डिवाइड करना है, इसके डेरिवेटिव से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस टू एक्स, बराबर। इसका इंटीग्रेशन ले लिया हमने, अब यहां देखिए माइनस साइन है, ये वन बाय टू इधर है, माइनस ये आएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू। देखिए बच्चों ये माइनस जो है वो इधर ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस बोलूंगा, ये आएगा बच्चों थ्री बाय टू, तो ये टू अपॉन थ्री आएगा इधर, यहां पे क्या आएगा बच्चों, देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू थ्री बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए बच्चों ये माइनस, इसको ये वन बाय टू है बच्चों, चलिए वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाओ, दिस टू टू विल गेट देयर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर क्या है बच्चों माइनस वन बाय थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस। So let us calculate one more question bachcho, I is equal to x tan inverse x dx, to isko I lead karenge, again humko ye trigonometric function first function bolenge aur isko second function bolenge, I is equal to first function into integration of second function minus d dx of first function into integration of second function,
सो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू निकालेंगे बाहर. तो ये एक्स स्क्वायर है बच्चों अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये डी एक्स है. अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं देखिए एडिंग वन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन ऐसा क्यों कर रहा हूं सो दैट आई कैन कैंसल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू. सो दिस इज ये क्या हो जाएगा बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वन आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इनका इंटीग्रेशन लेना है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू वन का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों एक्स माइनस इसका आएगा टैन इनवर्स एक्स. सो प्लस सी विद एक्स स्क्वायर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू एक्स वन बाय टू से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस वन बाय टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा. अब हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ये साइन थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा ये तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा. सो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा ठीक है बच्चे डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. सो आई इज इक्वल टू देखिए बच्चे साइन इनवर्स एक्स मीन्स थीटा आई विल राइट हियर साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स तो ये थीटा स्क्वायर आएगा बच्चों डी एक्स का मतलब है कॉस थीटा इंटू डी थीटा. तो यहां आई लेट तो ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बच्चों माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन डी डी थीटा थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है बच्चों साइन थीटा माइनस यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर जो है तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा बच्चों टू थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा डी थीटा. तो ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू टाइम्स ये टू इधर लिखूंगा फिर से यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू टाइम्स थीटा इंटू साइन का इंटीग्रेशन है बच्चों माइनस कॉस थीटा है ठीक है माइनस यहां पे देखिए बच्चों यहां पर थीटा का डेरिवेटिव वन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा आएगा बच्चों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा दिस इज थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए बच्चों तो प्लस हो जाएगा
थीटा कॉस थीटा, ये प्लस और माइनस, इधर से ये माइनस और निकल रहा है जो कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस. सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का मतलब क्या है बच्चों, यक्स है. सॉरी थीटा मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स यक्स है. साइन इनवर्स यक्स होल स्क्वायर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यक्स है, यहां यक्स आएगा, प्लस टू टाइम्स थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. देखिए बच्चों हम लोग एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर है, तो ध्यान दीजिए बच्चों यहां पे प्लस टू टाइम्स इस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, माइनस साइन थीटा जो है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. सो दिस इज एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, माइनस एक्स प्लस सी आएगा. ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू साइन इनवर्स एक्स अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. I is equal to x cos inverse x upon under square root 1 minus x square root dx. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करके सिंपल बना सकते हैं इसको. cos इनवर्स का x का डेरिवेटिव यहां पे नजर आ रहा है, रूट cos इनवर्स x is equal to टी बोलिए थीटा बोलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये माइनस वन अपॉन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन आएगा. तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा, ये माइनस वन इधर. ठीक है, सो I इज इक्वल टू, देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू t है, तो x इज इक्वल टू cos t हो जाएगा. तो cos t इंटू, देखिए बच्चों cos इनवर्स x इज इक्वल टू t लिया है हम, और उसके बाद में वन अपॉन अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स माइनस डी टी, यहां माइनस डी टी माइनस टी इंटू कॉस डी टी आएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे आईलेट. मैं बार बार लिख रहा हूं बच्चों ताकि हम लोगों को याद आए, अलजेब्रिक मीन्स फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो माइनस टी इंटू कॉस का इंटीग्रेशन है बच्चों माइनस साइन टी, सॉरी प्लस साइन टी, साइन टी माइनस इसका वन आएगा. कॉस का इंटीग्रेशन है बच्चों साइन टी dt. So this is minus t into sin t. देखिए बच्चों minus sin का integration है बच्चों minus cos plus cos t आएगा plus. अभी हम लोगों को इसकी value रखना है minus in bracket t का मतलब है बच्चों, t का मतलब हो जाएगा
कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी का मतलब हो जाएगा बच्चों साइन टी वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, आई कैन राइट प्लस कॉस टी एक्स है प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर टी मीन्स ये हो जाएगा बच्चों साइन टी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हाँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो ये कॉस एक्स अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स मीन्स कॉस टी मीन्स एक्स आएगा प्लस एक्स प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अंडर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स एक्स इंटू वन डीएक्स लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां पे देखिए बच्चों आई लेट लगा रही हूं, तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है देखिए वन प्लस एक्स सॉरी टैन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, सो टैन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू यहां पे वन का इंटीग्रेशन आ रहा है बच्चों एक्स आ रहा है ठीक है डीएक्स, सो एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस यहां पे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चों, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है बच्चों, इसलिए मैंने यहां टू यहां और यहां टू लिखता डीएक्स, सो एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर dx, तो देखिए बच्चों यहां पे तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड log x होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा बच्चों टू टाइम्स log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज वन अपॉन x इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा dx, ये इसके साथ x कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ, सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन या एक्स बाकी एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स हो गया, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस अगेन यहां पे हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बच्चों माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस
log x into x square upon 2 minus, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1 upon x और इसका इंटीग्रेशन x square upon 2 dx, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो लेट अस राइट हियर x square upon 2 into log x whole square minus x square upon 2 into log x, here minus है बच्चे यहाँ पे 1/2, ये 1/2 इधर लेना, x का इंटीग्रेशन प्लस. So this is equal to x square upon 2 log x whole square minus से मल्टीप्लाई कर दीजिए ओके इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x square, ये देखिए 1/4 x square minus x square upon 2 log x plus c, right? So this will be our answer. I is equal to x square plus 1 into log x a dx आएगा. तो यहां पर फिर से आइलेट, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि log पहले आ रहा है बच्चों, ये अलजेब्रिक फंक्शन बाद में, फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus d dx of first function into integration of second function. Log x into x cube upon 3 plus x minus, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों 1 upon x, sorry derivative of log x is 1 upon x into x cube upon 3 plus x. So this can be written as log x into x cube upon 3x plus x minus integration of, इससे multiply कर देते हैं तो इसको, तो ये क्या हो जाएगा x square upon 3 plus 1 आएगा ये dx. log x into, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x क्यूब प्लस 3x अपॉन 3, ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों x क्यूब अपॉन 3, तो ये 9 हो जाएगा माइनस प्लस c आएगा. तो व्हाट विल बी दिस बच्चों, ये देखिए मैं इसको x cube plus 3x upon 3 log x minus x cube upon 9 minus x plus c.